गोहाना से जम्मू कटरा तक जाने वाली बस होगी तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस। यात्री सीट पर बैठे बैठे बटन दबाकर बता सकेंगे अपनी शिकायत। बस के पिछले हिस्सों में लगी स्मार्ट स्क्रीन जिस पर देखे जा सकेंगे बस स्टॉप। गोहाना उपमंडल के यात्रियों को अब जम्मू कटरा जालंधर पठानकोट तक जाने के लिए अन्य शहरों से बस सेवा के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि गोहाना उपकेंद्र से सीधे जम्मू कटरा तक बस शुक्रवार से शुरू कर दी गई है, जबकि इससे पहले यह बस रोहतक से रवाना होती थी। लेकिन जिस प्रकार गर्मियों का अवकाश चल रहा है और इन दिनों वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए रोडवेज विभाग द्वारा यह सेवा गोहाना से शुरू की गई है। इस दौरान परिचालक और कर्मचारी नेता अशोक पांचाल व अनिल गंगाना ने बताया कि बस न केवल नई है बल्कि इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस भी किया गया है, जिसमें आगे और पिछले हिस्से पर स्मार्ट ई स्क्रीन लगाई गई है ताकि यात्रियों को हर स्टेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे। नई बस है गोहाना से जम्मू कटरा की, सेवाएं शुरू की हैं आज आपने, तो ये एक पहले भी था कोई ऐसा राउंड? नहीं, ये पहले ये रोहतक से था, अभी हमने अपने गोहाना से ही कर दिया है, जिसका 2 से 2:20 का टाइम दिया है। अब यात्रियों को रोहतक की बजाय वेट नहीं करना पड़ा, गोहाना से सीधी डायरेक्ट जम्मू घूमने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए सीधा यहीं से 2:20 का टाइम करवा दिया गया है। नई बस है और यात्रियों को सुविधा होगी, छुट्टियाँ भी पड़ रही हैं, इसको देखते हुए हमने यहाँ से सीधी गाड़ी चला दी जम्मू कटरा की। वापसी का क्या होगा वहाँ पे? वापसी का टाइम सुबह का शाम को 4 बजे का। अच्छा, तो स्टे यहीं रहेगा? हाँ सर। और मतलब जैसे इतने लंबे अगर दूर जाना है किसी को तो टिकट का क्या प्रोसीजर रहेगा? टिकट का प्रोसीजर यही, गाड़ी में बैठो टिकट दो। अच्छा, ऑनलाइन भी कुछ कराना चाहो तो मशीन आ गई है, उसको पहले बुक कर दो। रिजर्वेशन का तो कोई नहीं, ओपन ही है सब? कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें चालक और परिचालक कौन रहेंगे? चालक अमीन है, परिचालक अशोक है जी। अच्छा, अशोक जी पहले भी इतने लंबे रूट पे आपकी सेवाएं चली हैं? हाँ, लगातार रोहतक से जम्मू कटरा वाली गाड़ी पे ही मेरी ड्यूटी फिलहाल चली हुई है, और ये गाड़ी जो गोहाना सब डिपो की थी इसको पहले रोहतक से टाइम लिया था, लेकिन रोहतक में थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम हुई और सवारियों की कमी की वजह से अब इसको सीधा हमारा जो रोडवेज का टाइम है यहाँ पे 1:58 से 2:20 का हमारा सब डिपो का टाइम है, उस टाइम पे ये गाड़ी काउंटर पे लगेगी और 2:20 पे यहाँ से जम्मू कटरा के लिए रवाना होगा। अच्छा, जैसे इतना लंबा सफ़र है, बस में कोई विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है? सुविधाएँ तो देखिए आजकल जो नई बसें आई हुई हैं इनमें सुविधाएँ तो लगभग सारी नई गाड़ियाँ हैं प्रॉपरली इनके अंदर है। आजकल सवारियों के लिए पैसेंजर की कई बार, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, उसमें मेन प्रॉब्लम होती थी चार्जिंग की, इसमें चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। बाकी गाड़ी नई है, कंपनी से बनी हुई गाड़ियां है, बिल्कुल सारी सुविधाएं इनमें बहुत अच्छी है। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।